हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ, नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। हर एजुकेशनल अपडेट आप लोगों तक लगातार शेयर करने का पूरा प्रयास होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। 2023-24 का हमारा लगभग एंड सेशन चल रहा है। लगभग सभी क्लासेस के और सभी सब्जेक्ट के हमारे एग्जाम कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ के हो सकता हो गए होंगे और कुछ के होने बाकी हैं। कुछ सवाल बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में लगातार आ रहे हैं। पहला तो ये है कि भी हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा, क्योंकि हर क्लास वाइज रिजल्ट की डेट अलग अलग होती है, तो रिजल्ट कब आएगा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि रिजल्ट कैसे मिलेगा, हमें ऑनलाइन मिलेगा या ऑफलाइन मिलेगा। ऑनलाइन मिलेगा तो कैसे चेक करेंगे, ऑफलाइन का क्या सीन रहेगा। साथ में जो हमारी छुट्टियां हैं, जैसे एग्जाम हमारे कंप्लीट होंगे तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी बच्चों का सवाल है। हमारी छुट्टियां पड़ेंगी या हमें स्कूल आना होगा। साथ में इस बार जो पास प्रमोशन पॉलिसी है उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेज बदलाव हुए हैं, तो भाई आप लोग ना पहले ही अपने रिजल्ट के लिए रेडी रहें, एकदम से हमें सदमा झटका लगे उससे पहले, क्योंकि मैं हर अपडेट आपको शेयर करता रहता हूँ। वो अपडेट हो सकता है सुखद हो या हो सकता आप उसे सेटिस्फाई ना हो, बट जो अपडेट है वो तो अपडेट ही रहेगा ही। तो आपका रिजल्ट कैसा रहेगा वो भी आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम जैसे हमारे कंप्लीट होंगे तो उसके बाद हमारी छुट्टियां पड़ जाती है, मतलब हमें कोई स्कूल नहीं आना है। अगर किसी काम से स्कूल में बुलाया जाता है, वो भी इंडिविजुअल हो सकता है, किसी बच्चे का कोई मतलब पेंडिंग वर्क रहा हो तो उसके लिए बुलाया जा सकता है, बट कोई कंपलसरी नहीं है। तो आप ये घूमने फिरने जा सकते हैं, आप अपने गांव जाना चाह रहे हो, अपने रिलेटिव के यहाँ जाना चाह रहे हो, कोई शादी पार्टी इंजॉय करना चाह रहे हो, तो यू कैन गो देयर, आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएं तो भाई पूरी तरह से निश्चिंत ना हो कि भाई एग्जाम तो अब कंप्लीट हो गए, अब आपने रजाई ली और आराम से सो रहे हो 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक, ऐसा ना करें। दूसरा काम, जैसे हमारे एग्जाम कंप्लीट होते हम चैन की सांस लेते हैं और बस हमें लगता है कि भाई हमारी बला टल गई है, तो आप ऐसे भी ना कर रहे, टेंशन फ्री ना रहे। नेक्स्ट क्लास की आप अभी से अपनी प्रिपरेशन कर ले, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, आप बेसिक अपनी तैयारी कर ले। अगर आप श्योर हैं कि आप पास हो ही जाएंगे तो आप नेक्स्ट ईयर की किताबें भी खरीद ले, क्योंकि अभी नए सेशन के लिए कोई चेंजेज एनसीईआरटी ने या डिपार्टमेंट ने कोई डिक्लेयर नहीं किया है, तो आपको पुरानी किताबें एज इट इज नहीं चल जाएगी, आपको नई मतलब कुछ ऐसा वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा एडवाइस आपको यही रहेगा कि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप ऐप है, हमारे पास एक ऐप है मोबाइल में ही, उसमें एनसीईआरटी की सारी किताबें, चाहे कोर्स ए हो या बी हो, सबकी किताबें आपको वहीं पर मिल जाती हैं आराम से। तो आप उस ऐप से आप अपनी पढ़ाई तब तक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐप नहीं पता हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की वीडियो या आपका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी बीच एसएससी को लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन बना हुआ बच्चों के मन में, भाई एसएससी का रिजल्ट कब और कैसे आएगा, क्यों नहीं आ रहा है। तो एग्जाम के तुरंत बाद आपकी छुट्टियां हैं, आप अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी जरूर कर लें, अपने रिजल्ट के लिए प्रिपेयर रहें। रिजल्ट आपका आएगा जो 5-8वीं क्लास तक है उनका रिजल्ट आपको 28 मार्च को मिलेगा। 28 मार्च को 8वीं तक का रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हम 9th और 11th की बात करें तो 9th और 11th का जो रिजल्ट है वो 31st मार्च को मिलता है। 31 मार्च को आपको 9th और 11th का रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। पिछले काफ़ी टाइम से एक सिस्टम बना हुआ है, तो आपको ऑनलाइन रिजल्ट चेक करना होगा, आपको ना स्कूल की टेंशन है, ना ही आपको टीचर्स को परेशान करना, ना ही ग्रुप में कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से खुद घर पे ही अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट कहाँ से चेक होगा, कैसे चेक होगा,
उस पर हमारे सेपरेट वीडियो हमने डाला हुआ है, तो वो भी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से अपना रिजल्ट चेक कैसे करें उसका प्रोसीजर समझ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी और व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको सारी अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ, तो आपको वहाँ पर भी अपडेट मिल जाएगी। एक और चीज़ भाई, आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहिए। बस आपको लगता है कि भाई जो मोबाइल से आपने दूरी बनाई थी बस वो आपके पास आ जाए और आप सिर्फ मोबाइल से ही लगे रहें, तो प्लीज़ आप इस तरह की जो मोबाइल की हैबिट है उसके आदि ना बने। कभी कभी अपडेट लेना होता है, कभी कभी आपको माइंड फ्रेश करना होता है, वो अलग मैटर करता है। हालांकि मोबाइल से आप बहुत अच्छी स्टडी पढ़ाई भी कर सकते हैं, और जब तक आप के नई किताबें नहीं आती है तब तक आप मोबाइल से अपनी नेक्स्ट क्लास की स्टडी कर सकते हैं। आप साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जो भी सब्जेक्ट है हर किसी का, उस क्लास के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको वीडियो साइट पे मिल जाएगी, तो आराम से आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। SSC की भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट बच्चे। देखिए सिंपल सी बात है, SSC का रिजल्ट आपको एग्ज़ाम कंप्लीट होने के तुरंत बाद आना शुरू हो जाएगा। अभी जिनका सेकेंड राउंड का बचा है उनका सेकेंड राउंड का सबसे पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल का रिजल्ट अभी फर्स्ट राउंड का डिक्लेयर नहीं हुआ, तो सबसे पहले आपको आर्म फोर्स का देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ही आपके जो जिन्होंने फर्स्ट राउंड का एग्ज़ाम दे दिया है, सेकेंड राउंड का भी दे दिया है, तो उनका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा कुछ दिन बाद। और साथ में आपको स्टैम का भी वेट कर रहे हैं, क्लास 11th वाले भी वेट कर रहे हैं, तो भाई SSC का रिजल्ट भी आपको लगभग एग्ज़ाम कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद ही देखने को मिल जाएगा। सेकेंड राउंड की आर्म फोर्स की अगर मैं बात करूँ, तो सेकेंड राउंड की आप फिजिकली तैयारी ज़रूर करते रहिए भाई। आप पुशअप और सेटअप वगैरह या रनिंग वगैरह आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। यहाँ पर जिनका रिजल्ट जिनने फर्स्ट राउंड दे दिया है, सेकेंड राउंड का भी एग्ज़ाम दे दिया है, तो जैसे आपका रिजल्ट आएगा आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ रेडी रखें, जो जो भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस पर भी हमारे चैनल पर सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो आप आराम से हमारे चैनल से आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहती है, आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद हम बात करें तो 5वीं और 8वीं में भी इस बार फेल होने का सिस्टम शुरू हो गया है, तो अपने पेरेंट्स को भी आप ज़रूर बता दें, एज ए स्टूडेंट आप भी इंश्योर रहें कि भाई 5वीं और 8वीं में भी आप फेल हो सकते हैं। तो बाकी रिजल्ट आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, सेम डेट को मिलेगा, हमारे चैनल पे आपको सारी अपडेट भी लगातार मिल जाएगी। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर भी दूंगा। कुछ और डाउट रहता है या कुछ पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सभी जगह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शेयरिंग कर दो अपने दोस्तों को, ताकि सभी लोगों को सभी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। ओके, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।